और जैसा लड़की जैसे कि चुपचाप बैठने वाला थी नहीं, इधर उधर बहुत घूमता था, इधर उधर भागता था। जब घर में रहते थे सबको पता चलता दीपा घर में है। वो सवार संगे मिशते भलोबाशे है, चुपचाप ना बाड़ी एलो सवार संगे से मिशबे सबाई के डाका डाकी करबे, वो बाड़ी एलो सबाई जानबे जे एखन दीपा बाड़ी एसेछे। मैं खुद एक वेट लिफ्टिंग कोच हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी मैं नौकरी करता हूँ। देखिए इसका जो उम्र था उस टाइम में 5.5 साल था उसका उम्र, उसका तो शारीरिक गठन मतलब फिजिकल जो इसका जो स्ट्रक्चर था वो पूरे टोटली जिम्नास्टिक के लिए और दूसरे गेम के लिए नहीं था। बड़ा बेटी के भी चुना था खेल में आने के लिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी वो बड़ा बेटी, तो इसमें पढ़ाई में थोड़ा प्रेशर था ज़्यादा, इसलिए उस पर खेल नहीं हो पाया। इसलिए मैंने अपना बेटी को छोटा बेटी दीपा को बेंगलुरु मीडियम में भर्ती किया। আমি যখন প্রথম স্কুলে এলাম তখন আমি ক্লাস টিচার ছিলাম ওর, ক্লাস 9-এ। ও খুব ভালো মেয়ে, হাসি খুশি, আমি জানতাম না ও এত ভালো খেলোয়াড়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম কেন, সবাইকে জিজ্ঞেস করতাম যে কেন আসে না এই মেয়েটা, তো ওরা বলতো দিদিমণি ও খুব ভালো খেলে। মিস করবো, বাড়িতে তো আমাদের আর কেউ নেই, মরমেও বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আমরা দুজনে বাড়িতে না, ও থাকলে তো একটু বাড়িতে হইচই থাকে, কিন্তু এখন তো আমরা বেশি মিস করি ওকে। এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট শি, এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট মি অলসো দ্যাট শি ইজ মাই সিস্টার, এল্ডার ইয়ঙ্গার সিস্টার, অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রাউড।